फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय YouTube चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे, आप देख रहे हैं यूनिक सिविलियन, मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिजाइन। डिजाइन शब्द आते ही आपके दिमाग में क्या चलता है, डिजाइन किस चीज की करनी है, अगर स्ट्रक्चर की डिजाइन करनी है तो उसको कितने पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर की डिजाइन करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिजाइन दो तरह की होती है, एक होती है फंक्शनल डिजाइन और एक होती है स्ट्रक्चरल डिजाइन। और फंक्शनल डिजाइन जो होती है वो आर्किटेक्चर रूप में जाती है, आर्किटेक्चर शेप में लेके जाती है, और जो स्ट्रक्चर डिजाइन होती है वो स्ट्रक्चरल शेप में लेके जाती है। ये दो मोड होते हैं डिजाइन का। तो आज के वीडियो हम लोग समझेंगे कि फंक्शनल डिजाइन का मतलब क्या होता है और स्ट्रक्चरल डिजाइन का मतलब क्या होता है, और दोनों में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फंक्शनल स्ट्रक्चर की, मींस फंक्शनल डिजाइन क्या होती है। फंक्शनल डिजाइन इन द सेंस कि उस डिजाइन को बनाने का पर्पस क्या है, टाइप मतलब क्या हम बनाना क्या चाह रहे हैं, हम मूवी हॉल बनाना चाह रहे हैं या फिर हम कोई दूसरे टाइप का कॉमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल मिक्स फंक्शन बिल्डिंग बना रहे हैं। उसके बाद समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वो स्टील स्ट्रक्चर है कि प्रीकास्ट है कि आरसीसी है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो क्लाइंट है उसको जैसा फंक्शन चाहिए क्या आप उसी तरीके का फंक्शन तैयार कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर है, उसने इतना अमाउंट खर्च किया है आपके ऊपर बिलीव करके, तो कहीं ना कहीं उसका सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहलाती है फंक्शनल डिजाइन। क्या कहलाता है ये? फंक्शनल डिजाइन। अब आता है दूसरा, स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चर डिजाइन में क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर डिजाइन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। काफी लोग सोचते हैं स्ट्रक्चर में एनालिसिस कर देना, ये कर देना, ये ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी जान होती है, दैट इज स्ट्रक्चर की जो सबसे ज्यादा जान होती है वो होती है उसके लोड्स। लोड क्या आ रहे हैं, अगर लोड आपने कैलकुलेट नहीं कर पाया, सबसे पहले कोई भी कंपनी जब आपको हायर करती है सबसे पहले वो यही देखती है कि आप लोड को अच्छे से कैलकुलेट कर पाते हो, क्या लोड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो हो सकता है विंड लोड के रूप में हो सकता है सेस्मिक ऊपर हो, या हो सकता है वर्टिकल फोर्स कोई हो, यूडीएल या और कोई डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हो, उनके कैलकुलेशन आप समझ पाते हो कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको लोड का कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आप समझिए कि आपको बहुत कुछ नहीं आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना लोड। लोड हॉरिजॉन्टल इफेक्ट करेगा कि वर्टिकल इफेक्ट करेगा, ये एक सबसे पहली थिंग्स होती है स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चरल प्लानिंग। प्लान कैसा, आपको लेआउट कहां देना है, आपको बीम्स कहां पे देनी है, कॉलम कहां पे देनी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा, एक ओवरव्यू प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि आपने लोड कैलकुलेट कर लिया तो लोड किसके ऊपर आ रहे हैं, किस प्लान पे है, मींस अगर वर्टिकल फोर्स आ रहा है तो उसके लिए हम एक बीम यहां दे देंगे, अच्छा ठीक है, ये लोड कहां से ट्रांसफर करेंगे, इस वाले कॉलम से कर देंगे, इस तरीके के थॉट आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर प्लानिंग जैसे ही कंप्लीट होता है तुरंत आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं किया आपने तो आप स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना सकते हो। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद होता है एलिमेंट डिजाइन। इन द सेंस एलिमेंट का डिजाइन करना बहुत जरूरी है। एलिमेंट इन द सेंस बीम का डिजाइन, कॉलम का डिजाइन, फुटिंग का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। इनका डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनका डिजाइन कहलाता है स्ट्रक्चरल डिजाइन या एलिमेंट डिजाइन। डिजाइन कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका फाइनल आता है डिटेलिंग, ड्राइंग, और उसके साथ ही साथ आपका एस्टिमेशन, कितना उसमें कॉस्ट लगने वाला है, कितना डिटेलिंग उसको कर सकते हो, प्रॉपर डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा, और एक ड्राइंग के थ्रू उसको शो करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर डिजाइन कंप्लीट होता है।
तो स्ट्रक्चर डिजाइन और फंक्शन डिजाइन दोनों में डिफरेंस समझ के रखिए। फंक्शन डिजाइन कहीं कहीं आपको आर्किटेक्चर फॉर्म में लेके जाता है और स्ट्रक्चर डिजाइन आपको कहीं कहीं लोड डिजाइन एलिमेंट डिजाइन ड्रॉइंग ये सब के शेप में लेके जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, प्लीज नीचे कमेंट करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इतने लोगों तक शेयर कर देना कि यार अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाए यार। जब सब्सक्राइबर आएंगे तभी मन करेगा और आगे हमको वीडियोस बनाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर भी मैनेज किया जाता है आपके लिए। तो क्या आप इतनी सी चीज नहीं कर सकते हो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।